उस्मा जी, यक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा, यक तरफा मोहब्बत मतलब फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं है मेरा ख्याल। नहीं, नुकसान तो उसका काफी है, आपकी सेल्फ एस्टीम के लिए बड़ा नुकसान है उसका। आपको हुई कभी? नॉट रियली, इवेंचुअली चेंज हो जाता है सब कुछ। नॉट रियली बट अनरियली। देखिए, मोहब्बत तो बहुत दफा हुई है। एक मोहब्बत पे यकीन रखती हैं आप? नहीं। कितनी मोहब्बतों पे यकीन रखती हैं आप? जितनी दफा दिल आ जाए किसी। उस्मान जी, कभी धोखे का सामना हुआ? कभी? क्या बर्जस्ता क्या कि कभी आए? अच्छा, तुम हंसते रहो तो लगता है दरी कट्ठी हो गई। मुंह इंज हो जाता जिवें लंडे चो लिया। चुमला तो वेखो ने क्या कभी 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 से क्या मुराद है? बहुत से धोखे खाए। वो मिर्जा गालिब का शेर है ना, बाजीचा या अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे। ओए, ओए, ओए। तो धोखे को बहुत करीब से जानती हैं आप? बहुत ज्यादा। तो फिर दर्द से तो बहुत गहरा ताल्लुक होगा आपका। सिखाता है आपको बहुत कुछ, मगर टाइम भी लगता है। दर्द से सीख कर क्या दर्द को घर से निकाल दिया या दर्द को पालती भी है? नहीं, उसको रखा हुआ है ना, वो मेरी क्राफ्ट में काम आता है। अरे वाह। आपके पास अगर को नूरी पाया ने एक लातों ठंड लगती। जो मौले ने कह रहा मैं तेरी सज्जी लत वड़ी उदन का ट्रोजर पान लग पा। की हाल है इमरान बाऊ? मेरा हाल बिल्कुल ठीक है नूरी। खुश रहे। औसत के जवाज केड़े केड़े मेहमान बुलाए ने आए। हमें अपनी जिंदगी इन्नी हार्ड नहीं गुजारी जिन्ना इना द डाई हार्ड फैन। अरे वाह, बड़ी गल है। हमें जे आप चाहना कोई हो जिया जवान होवे हो जिड़ा नूरी दी हिक ते पैर रख के कवे के थे लैन की आया। अच्छा भाई, ऊ जे मेरे हमेशा कॉल रहे ते मैं दुनिया नूं लै जावां परे परे। मैंने मनु हर फंक्शन च नचाया है। जी जी जी। उस्मा जी, सदके थी वा। हाँ, इजाजत होवे ते इत्थे बह जाओ। अरे 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 अरे, तू इत्थे बच्चे दित्ते हो? कम कर कर लो। गुस्से च नहीं बोलिया, एदा फोड़ा दुख गया। नूरी, किसे मजबूर फैन दा डा मजाक नहीं उड़ाई दे यार। ओए तेरे नालो वद उज़्मा जी दा नूरी फैन। ओए होए, नूरी जिस तरह तू बह गया ना, अल्लाह दी रहमत, तू 6 महीने नहीं उठदा। तू एक बारी ओना दी हामी भर लैण दे, फिर नूरी दियां उठणियां। नूरी अगे भी तू बह के उठिया सी, लाचा उत्थे ही रह गया सी। उस्मा जी जी, एक दो बारी तुसी होर जी के आते, फिर नूरी दा जी लग जाएगा। तुसी ते चले जाओगे, असी सारे खंबे गिणदे रहांगे। उस्मा जी, मैं चाहना एक फिल्म च थोड़े नाल। इन्ना रौला पांडे
ਕੁਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੁਸਤ ਕੈਂਗਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਉਜ਼ਮਾ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਹੀ ਸਬਰ ਜੀਆਂ ਕੀ ਵਾ ਕੋਈ ਟੁੱਟਾ 500 ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਓਏ ਇੱਥੇ ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਉਜ਼ਮਾ ਜੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਮਾਫ ਕਰ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜ ਪੈਣਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਜਾਤੀ ਹੋ ਆਜ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਆਜ ਬਤਾਏਗੀ ਤੁਮੇ ਬੜੀ ਤੁਮ ਹਸੀਨ ਬਨਤੀ ਹੋ ਨਾ ਯਹਾਂ ਵੀ ਹੁਸਨ ਹੀ ਆਇਆ ਵੈ ਫਿਰ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਨੀਚੇ ਲੇਡੀਜ ਐਂਡ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਦ ਵਰਸਟਾਈਲ ਭੇਸ ਰੂਪ ਰੰਗ ਧੰਗ ਬਦਲਨੇ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਸੈੱਟ ਪੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਜ਼ਮਾ ਜੀ ਦਾ ਸਪੋਟ ਮਾਈਕ ਐਂਡ ਆਰ ਸੈੱਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਯੋਰਸ ਕੁਝ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਯਾਰ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਹਾਏ 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 ਕੁਝ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਯਾਰ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਦਰ ਦਰ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਕੁਝ ਸਜਣਾ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੀ ਸੀ ਕੁਝ ਜ਼ਹਿਰ ਰਕੀਬਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਕੁਝ ਹਿਜਰ ਫਿਰਾਕ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਕੁਝ ਦਰਦ ਮਾਹੀ ਅਨਮੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹਾਏ ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮਾਂ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਿਮ ਸਨ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕੋਈ ਮਤ ਜਾਈਏਗਾ ਯਹੀਂ ਰਹੀਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਦ ਟੈਲੈਂਟਡ ਵਰਸਟਾਈਲ ਐਂਡ ਗੋਰਜੀਅਸ ਉਜ਼ਮਾ ਹਸਨ ਔਰ ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏ ਕਿਆ ਮਜ਼ਾਕਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਕੈਸੇ ਆਪ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆਪ ਬਤਾਏ ਮੈਂ ਵੀ ਠੀਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਆਪਕੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫੈਨ ਹੂੰ ਮੈਨੇ ਆਪਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਡਰਾਮਾਸ ਦੇਖੇ ਹੈ ਆਪ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲਗਤੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾ ਲਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਈ ਹੂੰ ਉਜ਼ਮਾ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਪ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਅਭੀ ਤੋ ਮੈਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੂੰ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫਾਈਨੈਂਸ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਗੇ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਈਓ ਬਣੂੰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਣੇਗੀ ਆਪ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖੇ ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਦੇਖੇ ਹੈ ਅਲਿਫ ਅੱਲਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਰਕਸੇ ਬਿਸਮਿਲ ਔਰ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਡਰਾਮੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸੀਓ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗੀ ਸੁਣਾਈਏ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਈਏ ਅਜਬ ਰਹਾ ਗੁਫਤਗੂ ਕਾ ਆਲਮ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਆਂਖੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਇਨ ਪਰ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਇਨ ਪਰ ਕਤਲ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਸੰਭਾਲ ਆਂਖੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਆਪਕਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤਾਹਿਰ ਅਦਨਾਨ ਕੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਆਪ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਸਬਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਟਰ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫੈਨ ਹੂੰ ਆਪਕੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਪਨੇ ਕੰਮ ਕੀਆ ਹੈ ਔਰ ਉਜ਼ਮਾ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਭੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਇਤਨੀ ਵਰਸਟਾਈਲ ਐਕਟਰਸ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਫ ਆਪ ਮੰਨਤ ਮੁਰਾਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਲੇਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਇੱਕ
पहाड़ों में और इतना ट्रेडिशनल आप रोल कर रही है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या नाम है? किंजा। किंजा क्या? किंजा क्या बनना चाहती हैं जिंदगी में? काउंटिंग बनना चाहती हूँ। हाँ इंशाल्लाह ताला आप जरूर बनेगी। ना ना इन्हें तो हासा से नोट उठा देने सारे। किमें? कितने? क्या कहना चाहती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ सर। थैंक यू। अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ तो आप पूरी करेंगे? हाँ बताओ क्या। आप मुझे पोले की एक्टिंग करके दिखा दें। जान तो सबको प्यारी होती है ना किंजा, पर तू ना जान से भी ज्यादा प्यारी है। थैंक यू किंजा। ओए ओ शहजादिया, यानी मुस्कुराहट, डिंपल, कबाडिया। नाम सर आपका? अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला खान साहब क्या करते हैं? बैचलर्स कर रहा हूँ सीएस में। तालियां भाई के लिए। लुक्स तो मॉडल वाली है अब्दुल्ला आपकी। वाह भाई क्या करते हैं? पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं। क्या करना चाहते हैं? डाटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मेरा सवाल है मैडम उज़्मा साहिबा से कि किसी कामयाब इंसान के पीछे किसी एक खास शख्सियत का हाथ होता है, आपकी ज़िंदगी में कौन सी शख्सियत है? इट्स माय मदर, मेरी वालदा। मैं समझती हूँ अब जब वो दुनिया में नहीं है तो हर चीज़ करने से पहले ज़रा डर लगता है। जब तक वो थी मुझे पता था उनकी दुआएं साथ हैं और दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। तो माय मदर वाज माय पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। तो मेरी हर चीज़ के पीछे, नॉट जस्ट माय वर्क, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट आई डू, जो कि कुछ भी मैटर करती है, उसका क्रेडिट मेरी वालदा को जाता है। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब। क्या बात, क्या बात। उस्मा जी आपकी आमद का, आपके आने का हजारों लाखों करोड़ों बार शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मेरी आपके लिए ये दुआ है कि खुदा करे कि आपकी जिंदगी में, आपकी आंखों में कभी कोई आंसू ना आए। इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी हियर एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।